बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज समर स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कोकोनट आइसक्रीम, और ये कोकोनट पॉप्सिकल्स भी कहते हैं इसे, इसके अलावा इसे कोकोनट कुल्फ़ी भी कहते हैं। और आज मैं आपको ये बगैर किसी मशीन के बनाना सिखाऊंगी, और ना ही आपको इसके लिए कोई क्रीम की ज़रूरत होगी। घर में हर बंदा इसे बना सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपने यहाँ पर 1/4 कप पानी लेना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है। और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। एक घोल आपने तैयार कर लेना है। ये तैयार है, अब आपने इसको साइड पे रख देना है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर आपने शामिल कर देना है 2 कप दूध, यानी कि 2 कप्स ऑफ मिल्क। मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क यूज़ किया है, जो कि डब्बे वाला दूध होता है। इसके साथ साथ आपने इसमें शामिल करनी है 1/2 कप चीनी, मैंने दानेदार चीनी ली है। दरमियानी आपने आँच रखनी है, और दरमियानी आँच के ऊपर आपने चम्मच चलाते रहना है और इसको पका लेना है। इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस, जब दूध के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपने इसके अंदर 1/3 कप पिसा हुआ खोपरा डालना है, यानी कि नारियल। ये पिसा हुआ है, वाइट कलर का है, मैंने इसको कोई कलर नहीं किया। अब आपने पिसा हुआ खोपरा डालने के बाद इसको मिक्स करना है, और 5 मिनट के लिए आपने इसको दरमियानी आंच पे पकने देना है, और बॉयल आता रहे दूध में, आपने कंटिन्यूसली चम्मच इसके अंदर चलाते रहना है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, और इसका वॉल्यूम जो है वो भी रिड्यूस हो चुका है। तो इस स्टेज पर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और पानी का जो घोल तैयार किया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बनाना सिखाया था, 1/4 कप पानी और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर, ये आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। जैसे ही ये मिक्सचर आप डालेंगे तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर 1 कप भर के दूध शामिल करना है, और दूध मैंने फिर से डब्बे वाला ही इसके अंदर शामिल किया। तो टोटल आपने इस आइसक्रीम के अंदर 3 कप दूध डालने हैं। 250 ml का ये 1 कप है, ठीक हो गया। 3 कप दूध डालने के बाद अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी थिक सी कंसिस्टेंसी निकल के आई है, रबड़ी जैसी तैयार हो चुकी है। तो इस स्टेज पे आपने इसके अंदर डालनी है इलायची का पाउडर। मैंने 3 इलायची ली, उनको फ्रेशली मैंने कूटा है और वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। 3 इलायची का पाउडर आपने बना के डाल देना, आप चाहें तो दाने भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। और उसके बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद आपकी रबड़ी जो है तैयार हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कीजिए, और उसके बाद आपने आइसक्रीम मोल्ड्स ले लेने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप कप में किस तरीके से इनको जमा सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको सारा बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आइसक्रीम मोल्ड्स के अंदर डालने का तरीका बता रही हूँ कि आपने आइसक्रीम मोल्ड्स लेने हैं, नीचे बेस में थोड़ा सा कोकोनट डालें, स्प्रिंकल करें, और उसके बाद आपने ये रबड़ी डाल देनी है उसके अंदर, और रबड़ी डालने के बाद आपने इनको कवर कर देना है, ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत गिरा है आप उसे टिश्यू की मदद से साफ कर लीजिए, और उसके बाद इसको कवर कर दीजिए, ठीक हो गया। तो ये स्टेप आपने करना है, और उसके बाद आपने इसको फ्रीजर में रखना है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ कि आपने कप में किस तरीके से इस कुल्फी को जमाना है। आपने एक कप लेना है, उसकी बेस के ऊपर आपने थोड़ा सा खोपरा डालना है, उसके बाद आपने आइसक्रीम का मिक्सचर डालना है। एल्युमिनियम फॉइल लें और उसको इस तरीके से इसको कवर कर दें, एक छुरी की मदद से कट लगाएं, और उसके अंदर ये आइसक्रीम स्टिक्स मिलती हैं बाजार से, बहुत ही चीप रेट में मिलती हैं, सस्ती सी मिलती है। और रखने के बाद आपने इसको फ्रीजर में रख देना है। 1 दिन के लिए आपने इसको फ्रीजर में रख देना है। नेक्स्ट डे आपने इनको निकालना है, थोड़े से गुनगुने पानी के अंदर आपने थोड़ी देर के लिए आइसक्रीम मोल्ड्स रखने हैं। तकरीबन आपने इसको 40 से 50 सेकंड के लिए रखना है पानी के अंदर डिप करके, और उसके बाद आपने क्या करना है, कवर उतारना है। आइसक्रीम स्टिक्स मिलती हैं बाज़ार से, जो मैंने आपको बताया था, बहुत ही चीप रेट में। आपने क्या करना है, कवर उतारने के बाद उसी जगह पे आपने ये आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट करनी है ताकि अंदर तक चली जाए, और उसके बाद आपने हल्का सा इसको ट्विस्ट देना है, और आपकी आइसक्रीम जो है ये मज़ेदार से निकल के आ जाएगी। आप चाहें तो जो भी आपने इसके अंदर जो आइसक्रीम स्टिक का कवर होता है जो पहले आपने लगाया था, अगर तो अच्छे तरीके से वो इसके अंदर जम चुका है तो आप उसके साथ भी ले सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है के अंदर आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट करें। यहाँ पे मेरे पास कप है, कप को भी मैंने थोड़ी देर 40 से 50 सेकंड के लिए पानी में डिप किया था, एल्युमिनियम फॉइल एहतियात से निकाल दिया, और उसके बाद आपने इसको हल्का सा ट्विस्ट देना है, और ट्विस्ट देने के बाद आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से हाथ चलाना है, और ट्विस्ट देने के बाद आपने इस तरीके से इसको निकाल लेना है। तो मज़ेदार कुल्फी आपकी कप में भी तैयार हो जाएगी और आपकी मोल्ड्स में भी तैयार हो जाएगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़े की अच्छी सी कुल्फी आपकी तैयार होती है घर में, बाजार से भी अच्छी बनेगी। तो डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम। और गाइज, अपनी आइसक्रीम की पिक्चर्स में से ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि है FM's बावर्ची खाना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगेवान।